तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे एक और नई वीडियो के अंदर। और गाइस जैसे कि आप सभी को ऑलरेडी पता है कि Realme 7 Pro के अंदर Realme 3.0 का अपडेट जो है वो आ गया है, अर्ली एक्सेस भी और बीटा अपडेट भी। स्टेबल अपडेट इसके अंदर अभी नहीं आया है। काफी सारे लोग पूछ रहे हैं कि इसका स्टेबल अपडेट कब आएगा 3.0 का Realme 7 Pro के अंदर। तो भाई अभी टाइम लगेगा एटलीस्ट एक वीक, और अभी मेरे को थोड़ा सा मतलब एक या दो दिन का टाइम दो तो मैं आपको प्रॉपर जो है वो एक ऑथेंटिक डिटेल के साथ आपको बता दूंगा कि भाई नेक्स्ट जो स्टेबल अपडेट जो है इसके अंदर 3.0 का कब तक आएगा। लेकिन आज की वीडियो होने वाली है, इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर अपडेट आ गया है उन सभी यूजर्स के लिए जो लोग स्टिल Realme 2.0 पर हैं। तो अगर आपके पास है Realme 7 Pro, आपका फोन चल रहा है C.29 अपडेट पे Realme 2.0 पे, तो ये वीडियो आप एंड तक देख लो क्योंकि अब जो है लेटेस्ट अपडेट आ चुका है आप सभी यूजर्स के लिए। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बात करते हैं इसी अपडेट के बारे में, क्या क्या चेंजेस आए हैं और आपको अपडेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कितना साइज है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो इंट्रो चलने देते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को ऑलरेडी पता है, अगर आप मेरे को टेलीग्राम पे या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि मेरे फोन के अंदर स्टिल यहां पर अपडेट नहीं आया है। ना तो Realme 3.0 का अर्ली एक्सेस आया था, ना ही इसका बीटा अपडेट आया है स्टिल। अगर आपने मेरे को टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया हुआ तो नीचे लिंक है, सबसे पहला लिंक आपको मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना ग्रुप को। काफी सारे मेंबर्स वहां पर जुड़े हुए हैं, आपस में डिस्कशन चलती रहती है, और इंस्टाग्राम पर भी आप पर्सनली मैसेज कर सकते हो फॉलो करके। सारे इंपॉर्टेंट लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हुए हैं। अब जो है इसके अंदर C.30 का अपडेट आ गया है, मतलब RMX 2170-11 C.30 का जो है अपडेट इसके अंदर आ चुका है। और ये उन सभी डिवाइस के लिए आया है जो लोग ऑलरेडी C.29 अपडेट पे चल रहे थे। जिन लोगों के डिवाइस Realme UI 3.0 F सीरीज पे चल रहे हैं उनके लिए ये अपडेट नहीं है, उनके फोन के अंदर ये शो भी नहीं होगा, तो 2.0 वालों के लिए है। तो बात करते हैं इसी अपडेट की। सबसे पहले मैं यहां पर आपको इस फोन का स्टेटस दिखा देता हूं। ये देखो Realme 7 Pro है मेरे पास, तो आप सभी के सामने मैं यहां पर इसका स्टेटस दिखा देता हूं भाई मेरे को अपडेट मिला है या नहीं मिला। तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो यह है सॉफ्टवेयर अपडेट। तो सबसे पहले आप यहीं पर ही देख लेना कि इसके अंदर कोई अपडेट जो है वो आया है नहीं आया। तो यहां पर आप देख सकते हो फिलहाल कोई अपडेट नहीं है, और यहां पर C.29 अपडेट ही इसके अंदर चल रहा है। तो हो सकता है एक दो दिन के अंदर मेरे को ये अपडेट मिल जाए, क्योंकि 3.0 का अपडेट नहीं मिला है मेरे को इतनी कोशिश करने के बाद। मतलब अच्छा खासा मैंने ट्राई किया था लेकिन मेरे को नहीं मिला है, तो मेरे को इसकी भी एक्साइटमेंट नहीं रही है। Realme को पता नहीं क्या दुश्मनी होगी मेरे से, पता नहीं क्या उसने मतलब कुछ भी है, मेरे को एक्चुअल में नहीं पता कि वो करना क्या चाह रहे हैं। तो यहां पर मेरे को अपडेट नहीं मिला है, तो मेरे को जैसे ही मिलेगा एक वीडियो मैं आपके लिए और लेकर आऊंगा इसी अपडेट के बारे में कि ये अपडेट आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अच्छी तरीके से टेस्ट करके। तो स्टे ट्यून्ड, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि वो वीडियो भी बहुत जल्दी आ जाएगी, उम्मीद है कि 2 या 3 दिन में मिल जाना चाहिए। ठीक है, ना ही मेरे को यहां पर Realme 3.0 का जो है अर्ली एक्सेस या फिर ओपन बीटा मिला। देखो ट्रायल वर्जन पे टैप किया है, तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूं, उसके बाद फिर आप अपडेट पे चलते हैं, देखते हैं क्या चेंजेस हैं, कितना साइज है, सब डिस्कस करेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अभी भी लोडिंग आ रहा है, तो यहां पर देखो कुछ भी नहीं है यहां पर। अब मैं आपको दिखाता हूं अपडेट। तो यहां पर देखो टेलीग्राम ग्रुप जो मैं आपको ऑलरेडी बता रहा था, तो वहां पर यूजर्स ने अपडेट के जो स्क्रीनशॉट्स जो है वो मैसेजेस सारे भेज दिए हैं, और प्रसाद भाई ने मेरे को यहां पर पर्सनली भी भेज दिए थे, थैंक यू प्रसाद भाई। तो यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं इस अपडेट के बारे में। अब देखो यहां पर कईयों के रिस्पांस जो है वो थोड़े बेकार आ रहे हैं इस अपडेट को लेके, तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यही फोटोज ही निकाल के दिखा देता हूं कि क्या चेंजेस हैं, क्या साइज है। यहां पर आप देख सकते हो ये नया अपडेट आ चुका है, और ये स्क्रीन पे यहां पर आ रहा होगा, तो मैं आपको यहां पर बता देता हूं। तो एंड्रॉइड 11 का ऑफिशियल वर्जन है 327 MB। हो सकता है आपके फोन के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट साइज आए, तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ा बहुत कम या ऊपर ज्यादा साइज आ जाए, फोन के अकॉर्डिंग जो है वो थोड़ा सा वेरी कर सकता है इसका साइज। वर्जन जो रहने वाला है यहां पर आप सबसे पहले देखो 2022-4-21, मतलब 21 तारीख को ये अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हुआ था, और जो इसका वर्जन रहने वाला है वो है RMX 2170-11C.30। तो जो लोग कंफ्यूज थे कि भाई उन्हें C.29 के बाद कौन सा अपडेट मिलेगा, तो यहां पर आपको C.30 अपडेट मिल चुका है, क्योंकि अभी वो स्टेबल नहीं हुआ है 3.0, तो यहां पर आपको यही अपडेट मिलेगा। और उम्मीद है कि आने वाले टाइम के अंदर अभी आपको C.31 भी देखने को मिले, तो स्टे ट्यून, आपको ऑलरेडी पता लगता रहेगा। अब बात करते हैं इसके अंदर हमें चेंजेस क्या क्या देखने को मिले हैं, मतलब क्या चेंज हमें इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो यहां पर देखो ये नेक्स्ट अपडेट है, अबाउट दिस अपडेट, अपडेट लॉग है इसका ये। तो दिस अपडेट इंटीग्रेट द लेटेस्ट एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच
फिक्स सम नोन इशू एंड इम्प्रूव सिस्टम स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं सिक्योरिटी का सेक्शन के अंदर। तो देखो, इंटीग्रेट द मार्च एंड अप्रैल 2021-2022 एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच। तो यहाँ पर अगेन यहाँ पर दो मंथ का सिक्योरिटी पैच इन्होंने दिया है एक साथ, मार्च का भी और अप्रैल का भी, जो मेरे को लगता है बड़ा अजीब सा रियलमी कर रहा है, क्योंकि पहले जो है वो ये हर मंथ का एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच देते थे, बट अब ये एक्चुअल में ऐसा नहीं कर रहे हैं। ये दो मंथ का एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच जो है वो अब एक अपडेट के साथ दे रहे हैं इंटीग्रेट करके, जो मेरे को बड़ा वियर्ड सा लगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट इन्होंने दिया है वो है सिस्टम के अंदर, इंप्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस इन सम सिनेरियोस। यहाँ पर इन्होंने कोई भी स्पेसिफाई नहीं किया, कोई मेंशन नहीं किया कि भाई किन सिनेरियोस के अंदर यहाँ पर जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है, स्टेबिलिटी है, वो इंप्रूव हो रही है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, फिक्स एन इशू वेयर एन एंड्रॉइड आइकन माइट नॉट अपीयर ऑन द होम स्क्रीन आफ्टर यू इंस्टॉल एन ऐप फ्रॉम गूगल प्ले। तो यहाँ पर देखो, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो फोन के अंदर आ रही थी कि जब भी हम प्ले स्टोर से कोई ऐप इंस्टॉल करते थे तो यहाँ पर ऐप आइकन के साथ यहाँ पर एक बड़ा अजीब सा एक आइकन बना आता था वहां पर, मतलब ऐप का आइकन नहीं आता था, ना ही उसकी कोई डिटेल आती थी, बड़ा वियर्ड सा लगता था, ऐसा लगता था कोई वायरस इंस्टॉल हो गया फोन के अंदर। तो इस अपडेट के अकॉर्डिंग, जहां तक मेरे को लगता है, यहां पर इन्होंने इसे चेंज कर दिया है, मतलब इसे फिक्स कर दिया जो ये प्रॉब्लम आ रही थी, जो मेरे को लगता है काफी बढ़िया मूव है रियलमी की तरफ से, बहुत बढ़िया काम किया है। उसके बाद जो लास्ट चेंज किया है यहाँ पर वो है एप्स के अंदर, वहां पर इन्होंने चेंज किया, फिक्स एन इश्यू दैट माइट प्रिवेंट यू फ्रॉम सर्चिंग फॉर अ कॉन्टैक्ट इन अ कॉन्टैक्ट्स ऐप। तो यहाँ पे देखो, कॉन्टैक्ट ऐप के अंदर अगर आप कुछ सर्च कर रहे हो तो यहाँ पर देखो, इन्होंने कोई कभी कभार होता था कि आप सर्च नहीं कर पाते थे, तो यहाँ पर इन्होंने इसे भी फिक्स कर दिया है, जो मेरे को लगता है कि एक बढ़िया काम किया है। चलो, कुछ तो बेटर फिक्स कर रहे हैं ये। तो यहाँ पर देखो, इस अपडेट के अंदर फिलहाल इन्होंने सिर्फ इतना ही दिया है, तो ये अपडेट लॉग यहीं तक सीमित था। तो 327 MB के साइज के अंदर आपको इन्होंने तीन पॉइंट जो है मेन दिए हैं, और चौथा पॉइंट जो है वो एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच का है कि भाई आपको दो मंथ का एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच दे दिया है। चलो, रियलमी इतना तो अच्छा कर रही है कि आपको मतलब टाइम टू टाइम सिक्योरिटी पैचेस तो दे ही रही है एंड्रॉइड के, जो मेरे को एक लगता है कि भाई ठीक काम कर रही है। उसके बाद थोड़े बहुत चेंजेस कर रही है, क्योंकि ये फोन ऑलमोस्ट 2 साल पुराना होने वाला है, तो डिजर्व भी करता है कि भाई अब इसके अपडेट जो है वो थोड़े से कम हो जाएंगे, क्योंकि इसके सक्सेसर आ चुके हैं, 9 Pro आ गया है, 8 Pro तो ऑलरेडी आ ही चुका था। तो इसके अंदर अपडेट में अब कुछ खास चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा Realme 2.0 के अंदर। 3.0 की बात करें तो अभी वो बीटा स्टेज में है, तो उसके अंदर अपडेट्स आपको काफी सारे देखने को मिलेंगे। तो मेरे को उम्मीद है कि भाई मेरे को मिल जाता है ओपन बीटा, बट एक्चुअल में नहीं मिल रहा है। पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि देखो, अगर आपके पास Realme 3.0 की ओपन बीटा की मैनुअल फाइल पड़ी है या आपको कोई लिंक पता है, तो आप इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज करके जरूर बताना अगर आपके पास मैनुअली अपडेट करने का कोई सॉल्यूशन है तो, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये मैनुअली अपडेट हो जाए तो फिर मैं आपको एक प्रॉपर डिटेल वीडियो भी इसके लिए कराऊं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं हो पा रहा है मेरे से, मेरे को लिंक नहीं मिल रहा। अगर आपके पास पर्सनली कहीं पड़ा है तो आप मेरे को जरूर भेज सकते हो। तो आज की वीडियो के अंदर यही थी। अब मेरे फोन के अंदर ये अपडेट कब आएगा मेरे को नहीं पता है, उम्मीद है कि 1 या 2 दिन के अंदर आ जाए, जैसे ही आएगा आपको इन्फॉर्म कर दूंगा टेलीग्राम पे भी और इंस्टाग्राम पे भी। तो फॉलो कर लेना ताकि आपको पता लगता रहे टाइम टू टाइम क्या हो रहा है। तो ये थी वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।